फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने ओप्पो F25 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब भी हम अपने ब्लूटूथ को मोबाइल फोन के ब्लूटूथ को दूसरे डिवाइस के साथ हम कनेक्ट करते हैं, तो हमारे फोन का ब्लूटूथ जो है दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो इस ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके फोन में ना ये फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इस ऐप के अंदर आपको जो है ना नीचे की साइड एक ऑप्शन मिलता है ऐप्स का, ऐप्स पे टैप करना है। अगले पेज में आपको जो है ना सबसे ऊपर की साइड ये इंस्टॉल्ड ऐप, इंस्टॉल्ड ऐप पे टैप करना है, ठीक है ना। तो आपको ये वाला पेज आएगा, इस पेज में आपको ना नीचे आना है। यहां पर आपको ना एक ऑप्शन मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाला ब्लूटूथ MIDI सर्विस का, ब्लूटूथ MIDI सर्विस पे टैप करना है। तो आपका यहां पर जो है ना ये वाला पेज आता है, इसमें आपको स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में आपको नीचे की साइड एक क्लियर कैच, क्लियर कैच पे टैप करना है। तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको बैक पेज पे जाना है, ठीक है। अब आपको इसके भी बैक पेज पे जाना है, तो आपको इस वाली ब्लूटूथ MIDI सर्विस के इस वाले पेज पे ना सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। अब आपका ये वाला पेज आएगा ना, इसमें आपको एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है, ठीक है। इसके अंदर भी आपको स्टोरेज पे टैप करना है, यहां पर भी आपको जो है नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, क्लियर कैच, ठीक है। तो आपका कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब आपको अगला काम करना है क्या, आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का ना सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर आपको लिखना है, ठीक है। आपको ना नीचे की साइड ही सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आता है, सॉफ्टवेयर अपडेट पे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम करना है क्या, आपको अपने मोबाइल फोन को फैक्ट्री रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को फैक्ट्री रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते ना, तब आपको फोन को फैक्ट्री रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज के अंदर आपको सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, ठीक है। आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो होता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। अब आपको यहाँ पे इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है, नीचे पेज आता है, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन में जो भी डेटा है उसका आप बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की GMAIL ID और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपके ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।